हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये वीडियो सबसे पहले डालनी चाहिए थी, बट इससे पहले मैं दो वीडियोस डाल चुका हूँ जिसमें जो है मैं बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ फॉरेक्स एंड फॉरेक्स में जो है प्लेयर्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन जो है ट्रेडिंग करते हैं। अब जो है इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं। इससे जो है यार मैं आपका एक आउटर सर्कल बना दूंगा जिसमें जो है आप कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारा जो है फॉरेक्स क्या होता है और इसमें जो है हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं हमारा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि ये 4.9 ट्रिलियन डॉलर्स की डेली की मार्केट है जिसमें 4.9 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है अप एंड डाउन होता है। अब ट्रेडिंग क्या है, मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ एग्जांपल दिया था, अब जो है मैं फिर से एक और एग्जांपल देता हूं कि ट्रेडिंग यार आपने बचपन में की होगी, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ पक्का की होगी। जब आप मैच देखते थे तो मैच में आप बताते थे कि कौन सी टीम जो है वो विन करेगी। आप बताते थे इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच है तो आप बताते थे, अपने भाई से शर्त लगाते थे कि ट्रेडिंग ये जो है इंडिया जीतेगी और पाकिस्तान हारेगी, और आपका भाई कहता था नहीं पाकिस्तान जीतेगी और इंडिया हारेगी। तो आपके पास दो ऑप्शन होते थे, आप उनको हरवा भी सकते थे एक टीम को और जितवा भी सकते थे। तो ये भी जो है एक तरीके की ट्रेडिंग थी। उसके बदले में आप अपने भाई से शर्त लगाते थे या अपने दोस्तों से शर्त, हर बंदे ने लगाई होगी। आपने कार्ड्स खेले होंगे तो कार्ड्स में भी जो है शर्त लगाई होगी। तो वही जो रूप है वो ये है ट्रेडिंग का। ये जो है आप यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप जो है करेंसी से बताते हैं। हमारे पास 180 करेंसी पेयर्स हैं जिसपे जो है हम बताते हैं कि ये करेंसी पेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जब आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो आप जो है विन कर जाते हैं, और कितना विन करते हैं वो डिपेंड करता है कितना मूव हुआ है मार्केट। यहाँ पर सिर्फ हार और जीत नहीं होती, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जितना मूव करेगा आप उतना जीतेंगे। और ये एक और बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रेडिंग का साइज है, आपने कितनी क्वांटिटी बाय की है उस पर डिपेंड करता है। ये सबसे पहला डाउट होता है। जब मैंने भी सुना था स्टॉक्स के बारे में तो मेरे माइंड में एक बात रहती थी कि स्टॉक्स जो है हम सिर्फ और सिर्फ बाय कर सकते हैं, हम उसको सेल नहीं कर सकते। ये सेल हम कब कर सकते हैं, जब हमने बाय किया होगा। बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम सेल भी कर सकते हैं और हम जो है बाय भी कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, और वो कैसे हैं उसके लिए डीपली जाना पड़ेगा, छोड़िए। बट हमें ये फीचर है अवेलेबल ट्रेडिंग के अंदर कि हम जो है कोई सा भी करेंसी पेयर, अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में जैसे कैट CHF है, हम यहाँ से इसको बता सकते हैं कि ये डाउन जाएगा, और अगर ये डाउन गया तो हम जीत जाएंगे। और हमने अगर बताया है यहाँ से अप जाएगा, और अगर ये अप गया विन कर जाएंगे, और कितना विन करेंगे ये इसकी पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, जो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे जिसमें हम पिप्स के बारे में, पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और एक और बात आ जाती है, अगर फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास $100 का अकाउंट है, हम इतनी बड़ी ट्रेड मार सकते हैं, तो वो जो है लीवरेज पे डिपेंड करता है। अलग अलग ब्रोकर्स जो है अलग अलग लीवरेज प्रोवाइड करते हैं। एक ब्रोकर अगर आपको $100 पे एक स्टैंडर्ड लॉट मारने दे रहा है, स्टैंडर्ड लॉट का मतलब हो गया ये 74911, ये जैसे 9 ये 12 होगा, लास्ट की जो नंबर्स हैं 12 होगा तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। वहीं जो दूसरा ब्रोकर है आपको जो है छोटा लॉट मारने दे रहा है, कम क्वांटिटी मारने दे रहा है, बस आपकी लीवरेज कम है। वो जो है लीवरेज पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा अकाउंट पे जो है लॉट मार सकते हैं। तो ये जो है हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। ये फर्स्ट मुझे एक क्या करना होता है, हम जो है ट्रेड कैसे मार सकते हैं, और जो है हम आने वाली वीडियोस में ब्रोकर्स पे बात करेंगे, लीवरेज पे बात करेंगे, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस पे हम बात करने वाले हैं। ये आने वाली वीडियोस में आप कनेक्टेड रहिए, और आपका जो भी क्वेश्चन है यार वो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा सा जो है क्लियर हुआ होगा। और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक यही चीज़ इंट्रोडक्शन में क्लियर करनी थी कि हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं एंड डाउन के। ये जो है स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ बाय कर सकते हैं, बट नहीं, रियलिटी में हम बाय भी कर सकते हैं और हम जो है सेल भी कर सकते हैं। और जो है ब्रोकर की कमीशन्स कितनी होती हैं अगर हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उस पर कमीशन्स कितनी जा रही हैं, अलग अलग ब्रोकर्स की अलग अलग कमीशन्स जाती हैं। तो जो है हम सब कुछ जो है आने वाली वीडियोस में जो है कवर अप करेंगे। चलते हैं यार, कुछ क्वेश्चंस जो आए थे लास्ट वीडियो में उनके ऊपर बात कर लेते हैं। आरडी भाई, जितना मुझे पता है सबसे ऊपर सुपर बैंक आते हैं, जैसे सिटी, UBS। ये भाई ने कमेंट किया कि ऐसा होता है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो लास्ट वीडियो में दीप कुमार जी, मैंने सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट्स की बताया था, मैंने ऐसा नहीं बताया था कि कौन कौन से नंबर पे आता है। बट आपने ये नॉलेज शेयर की, आप जो हैं व्यूवर्स जो हैं इसको देख सकते हैं, सुपर बैंक, लार्ज कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक जो हैं ये आते हैं और फिर हम आते हैं। तो ये जस्ट और जस्ट मैंने भी यही चीज़ें बताई थी। आपकी नॉलेज के लिए भी थैंक्स, आपने जो है अपनी नॉलेज शेयर की हमारे साथ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडिया ऐप ट्रेडिंग के लिए कौन सा अच्छा होगा। ये तीन क्वेश्चंस मेरे पास सेम आए हैं, इंडिया और पाकिस्तान का शायद सेम है।
तो इंडिया के लिए भैया ये देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में ये जो है ब्रोकर्स के लिंक डाले हुए हैं, ये मेरी वीडियो है। जैसे ही आप ये डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रोकर्स दिख जाएंगे, और इंडिया में ये ब्रोकर जो है ये बेस्ट है। और एक दो ब्रोकर्स मैं और चेक कर रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ काफ़ी ब्रोकर्स चेक, बट सबसे बढ़िया यही ब्रोकर है अगर आप इंडिया में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। बाकी वर्ल्ड के लिए ये ब्रोकर्स हैं भाई, यहाँ पर जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बिना झिझक के। और चलते हैं। आई ब्रो आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, वन एडवाइस आई विल गिव यू, इफ़ यू एटलीस्ट एड इंग्लिश सब टाइटल यू विल बी रीच अ लॉट ऑफ पीपल। यार मेरे पास जो है इतना टाइम नहीं है, और मैं जो है ये वीडियो जो है इंडिया और पाकिस्तान और जो हिंदी में बात करते हैं उनके लिए बनाना चाह रहा हूँ। बाकी इंग्लिश के लिए अगर यार आप में से कोई भाई जो है हेल्प करना चाहे सब टाइटल दे के, तो यार वो मुझे बता दीजिए, मैं उसको जो है अपने चैनल पे एडिटर बना लूँगा, तो वो जो है एडिटिंग कर पाएगा। बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जो है सब टाइटल्स ऐड कर पाऊँ, तो मैं इंग्लिश में वीडियोस बना सकता हूँ या मैं हिंदी में बना सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस है, जो है मैं अभी जो है हिंदी में बना रहा हूँ, और आने वाले टाइम में भी जो है हिंदी में बनाने वाला हूँ। बट सब टाइटल्स के लिए मैं ट्राई करूँगा कि मैं सब टाइटल्स ऐड कर पाऊँ। अगर आप में से कोई यार मेरी हेल्प कर पाए इस चीज़ के लिए, तो यार मोस्ट वेलकम है, प्लीज़ हेल्प कीजिए, जिससे जो है दूसरी के जो लोग हैं उन्हें भी जो है इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉरेक्स मार्केट में एंटर होने के लिए सबसे अच्छा ऐप वेबसाइट कौन सी है? ये सेम क्वेश्चन आए हैं लास्ट वीडियोस में, यही ब्रोकर्स हैं भाई, डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, ये सारे के सारे बढ़िया ब्रोकर्स हैं। और जो है विड्रॉल में जो है कोई दिक्कत नहीं होती, आप विड्रॉल जो है बहुत ईजिली जो है ले लेंगे और रिसीव कर पाएंगे, तो विड्रॉल को लेके आपको दिक्कत नहीं होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लीवरेज को क्लियर करो ब्रो, समझ में नहीं आ रहा है, लीवरेज आने वाली वीडियोस में मैं जो है क्लियर करूँगा। बट तो अभी जो है मैं लीवरेज की बता रहा था, तो लीवरेज के लिए यार मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सिंपल से तरीके से समझा देता हूँ। आपके पास 100 रुपये पड़े हैं, और 100 रुपये जो है स्टॉक का एक प्राइस है, और लीवरेज जो है कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है 10 की, तो हम जो है जस्ट हमारे पास जितना अमाउंट है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास अब कितना बैलेंस हो गया, हमारे पास बैलेंस हो गया 1000 रुपये का, और स्टॉक का प्राइस कितना है 100 रुपये, तो हम कितने स्टॉक बाय कर सकते हैं, हम जो है 10 स्टॉक बाय कर पाएंगे, तो ये जस्ट और जस्ट लीवरेज है। तो जितनी लीवरेज होगी उतना ज़्यादा जो है आप स्टॉक्स जो हैं बाय कर पाएंगे। और करेंसी में मार्केट में क्या कैसे ये लीवरेज वर्क करती है वो हम आने वाली वीडियोस में देख के क्लियर करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर ये इलीगल है तो काफ़ी बंदे करते हैं, क्या ये क्राइम है? क्या ये मार्केट स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है? और ये लिमिटेड पेयर क्यों है इंडिया में? वैसे तो पूरा वर्ल्ड में 150 से 180 पेयर्स पे भाई ट्रेडिंग होती है, और जो है ये इलीगल है, बट इंडिया से पाकिस्तान से और पूरे वर्ल्ड से जो है ट्रेडिंग हो रही है भाई। और जो है कुछ पेयर्स पे इंडिया में लीगल है, जैसे यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी, 4 या 5 पेयर्स हैं जिन पे जो है लीगल है। बट लीगल कब है? अगर वो इंडियन ब्रोकर जो है वो पेयर्स पे खिलवाए तो। बट इंडिया में ऐसे ब्रोकर्स मुझे मिल गए हैं, बट उनको जो है मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए जो है मैं मार्केट में अभी जो है उसके उन ब्रोकर्स के बारे में बता नहीं रहा हूँ। बट इंडिया में ऐसे ब्रोकर्स आ गए हैं जो 5 पेयर्स पे जो इंडिया ने लीगल किए हुए हैं उन पे वो खिलवा रहे हैं। वो आने वाली वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा कि उन ब्रोकर्स का मैं रिव्यू दूँ, बट उससे पहले मैं खुद उन ब्रोकर्स को टेस्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं टेस्ट कर लूँगा उसके बाद जो है मैं उन ब्रोकर्स के बारे में बताऊँगा कि वो ब्रोकर्स कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर। और हाँ भाई, ये क्राइम है एक तरीके का, अगर पकड़े गए तो बहुत लठ पड़ने वाले हैं तुम्हारे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सर यूरो यूएसडी तो लीगल है ना, 2005 में आरबीआई ने लीगल कर दिया था। भाई मुझे इतना नहीं पता, मैं जो है इतने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पढ़ता हूँ, बट हाँ 5 पेयर जो है मैंने पढ़े हैं, बहुत जगहों पर पढ़े रखे हैं कि 5 पेयर जो हैं उनको लीगल कर दिया गया है। और मैंने अभी अभी बताया कि उनके लिए जो है आपको इंडियन ब्रोकर्स से जो है टाई अप होना आपका ज़रूरी है, और पाकिस्तान के लिए जो है पाकिस्तान में भी जो है अभी तो इलीगल है, बट इस साल के एंड तक शायद पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो लीगल हो जाए। ब्रोकर जो है भैया इंडिया का होना चाहिए, ताकि जो है इंडिया में जो है उसकी ब्रोकरेज जो है सेबी को जा सके, जो इंडिया में रेगुलेट कर रहा है। तो हमें जो है इंडियन गवर्नमेंट को जो है टैक्स नहीं जा रहा, पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा, इसलिए जो है वो लीगल नहीं है। मैं वी ट्रेडिंग 212 पे प्रैक्टिस करता हूँ, शायद ये कोई ब्रोकर है मुझे नहीं पता,
10,000 डॉलर में रोज में $100 बना लेता हूँ, क्या मैं रियल फंड लगाऊं? प्लीज आंसर दे। रियल फंड यार आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप सीख चुके हैं, आप 3-4 महीने इस फील्ड में बिता चुके हैं, आपको जो है आप लगा सकते हैं। बट अगर आप ये तुक्का मार रहे हैं कि 4-5 दिन आपने $10,000 से $100 बना लिए, तो मैं ये बात लिख के दे रहा हूँ, आप जितना मर्जी दम लगा लीजिए भाई, 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आपका पूरा का पूरा 10,000 भी जो है डॉलर वॉश आउट हो जाएगा। पहले सीख लीजिए, मेरा यही सजेशन होगा आपको कि आप जो है पहले सीखने पे ध्यान दीजिए, उसके बाद जो है अर्निंग के ऊपर ध्यान देना। और यार इसके ऊपर मैं इंट्रोडक्शन में ये चीज मैं भूल गया था बताने, चलिए पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। सर प्लीज ऑल्सो शेयर एनी गुड ब्रोकर। पाकिस्तान के लिए भी भाई यही ब्रोकर्स हैं, ये वर्ल्ड वाइड जो है ये ब्रोकर्स चल रहे हैं, बट इंडिया में जैसे ये इंडियन ब्रोकर मैंने एक दिया हुआ है जो कुछ करेंसी पेयर्स पे खिलाता है इलीगली। पाकिस्तान के लिए मुझे नहीं पता कौन सा ब्रोकर है, बट वहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टॉक ब्रोकर होगा वो जो है करेंसी पेयर्स पे भी आपको खिलवा रहा होगा, तो आप वहाँ का कोई ब्रोकर देख लीजिए। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि भाई इंट्रोडक्शन में ये टॉपिक कवर अप करना मुझे बहुत ज़रूरी था, कि ये इंट्रोडक्शन में टॉपिक कवर अप होना चाहिए था कि हम इससे कितना अर्न कर सकते हैं और हम कितना गवा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसमें जो है आप जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपने यहाँ पर ट्रेड मारी और ट्रेडिंग आपके फेवर में, जैसे आपने यहाँ से बताया ये कॉल जाएगी और ये आपके फेवर में आ गया, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है ये कितने पॉइंट्स तक ऊपर जाएगा या नीचे। फॉर एग्जांपल के लिए ये सबसे टॉप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपने बताया कि ये नीचे जाएगा, तो यहाँ से ये कितना नीचे आ गया, ये आ गया 17,000 पॉइंट्स, 18,000 पॉइंट्स नीचे। अगर आपने $100 के अमाउंट पे किसी अच्छे ब्रोकर पे जिसने लीवरेज आपको प्रोवाइड करा रखी हो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आपने ट्रेडिंग मारी और आपने बताया यहाँ से ये डाउन जाएगा, सिर्फ आपके पास कितना बैलेंस था $100 का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना गवाते, $100 आपके यहीं ख़त्म हो जाते और आपने स्टैंडर्ड लॉट मारा और यहाँ से ये यहाँ पर आ गया भाई कितने पे, 18,000 पॉइंट्स नीचे आ गया ये, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर नीचे आ गया। ये देख रहे हैं, ये 3 दिन के अंदर आपको $18,000 मिल जाते, कितने से, सिर्फ और सिर्फ $100। ये जो है लो वोलेटाइल पेयर है, इसलिए जो है सिर्फ और सिर्फ ये 18,000 पॉइंट्स मूव हुआ है। कोई और पेयर देखे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ GBP कैट, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल पेयर है, ये कितना मूव हो सकता है देखते हैं। यहाँ पर आपने ट्रेडिंग मारी, यहाँ पर आपने बताया है आपकी प्रेडिक्शन है, आपने बोला यहाँ से डाउन जाएगा, ये देखिए ये कितना डाउन आ गया, यहाँ से 52,000 पॉइंट्स जो है नीचे आ गया, ये $52,000 हो गया अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट मारा है। ये इसका पॉजिटिव है, आप जितना चाहें उतना अर्न कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में मूवमेंट बहुत होती है, आप जितना गेन करना चाहे, जितना अर्न करना चाहे उतना कर सकते हैं। बट अगर आपके अकाउंट में $50,000 है और आपने यहाँ से बताया, बोला कि ये जो है यहाँ से ऊपर जाएगा, बट ये यहीं से जो है नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये अगर यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, तो आपके अकाउंट में $50,000 अगर पड़े हुए हैं, तो ये देखिए पूरे $50,000 जो है ये आपके निकल जाएगा बिना डकार मारे। तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जितना आप इसमें अर्न कर सकते हैं उतने रिस्क भी है, उतना हम गवा भी सकते हैं। इससे अच्छा है पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद जो है आप इस मार्केट में एंटर होइए, यही मेरी सजेशन रहेगी। और ये पूरा पूरा इसका इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने जो है आपको काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, और अभी भी जो है आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछिए, जिससे जो है मैं उसका आंसर कर पाऊँ। और जो है आपके पास भी अगर कोई शेयर करने लायक जो है डिटेल है, नॉलेज है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में उन कमेंट्स को जो है पिन कर सकूं और जो है उनके कमेंट्स को रीड करके और लोगों तक वो डिटेल पहुंचा सकूं, वो नॉलेज प्रोवाइड करा सकूं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, अगली वीडियो से जो है हम और आगे जो है फॉरेक्स का सीखना स्टार्ट करेंगे।